यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल ग्रीन वैली। तो आज हम बात करेंगे प्याज के बारे में या ओनियन के बारे में, वो ओनियन घर पे कैसे इसको ग्रो करें। तो देखिए पहले बोलते हैं, ये हम जो घर में जो ओनियन ग्रो करेंगे वो होते हैं, ओनियन बेसिकली हमारे इंडिया में चार किस्म की होते हैं, ठीक है। उसमें एक है वाइज होता है, एक होता है रेड, एक होता है वाइट एंड एक होता है ऑरेंज। तो फिलहाल तो हम जो मैक्सिमम यहाँ पर ग्रो होता है वो है रेड ऑनियन, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है रेड ऑनियन। तो आज मैं रेड ऑनियन ये इसको कैसे ग्रो करते हैं घर पे, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बारे में हम ये तो वैसे तो ऑनियन आप बरस में किसी भी साल में एक किसी भी महीने में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये अभी है सितंबर महीना है, तो अगर हम आज से इसको ग्रो करना शुरू करें तो तकरीबन चार महीने के अंदर, यानी चार महीने पूरा नहीं लगता है, 90 दिनों के अंत में आप लोगों को रिज़ल्ट मिल जाएगा या ऑनियन मिल जाएगा। तो फिर उसके लिए पहले हम लोग को चाहिए एक बॉन्साई टॉप पॉट चाहिए, जैसे कि हमने एक गमले को काट कर बॉन्साई की तरह कर लिया, आप देख सकते हैं। तो ये है बॉन्साई पॉट हमने ले लिए। बॉन्साई पॉट इसलिए लिए क्योंकि ऑनियन के लिए ज़्यादा मिट्टी की डीपनेस ज़रूरत नहीं होती, इसकी जो रूट्स होते हैं वो ऊपर से ही ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो ऊपर ऊपर रहता है, ज़्यादा नीचे नहीं जाता, क्योंकि इसके जड़ में ये ऑनियन होता है ये मिट्टी के नीचे, ये तो आप लोग जानते हैं ये मिट्टी के नीचे होता है। तो फिर ये पॉट में ले लिए। तो इसमें जो सॉइल हम यूज़ करेंगे वो सॉइल होगा 50% मिट्टी होगा, उसमें 25% होगा कॉम्पोस्ट या वर्मी कॉम्पोस्ट, अगर दे तो थोड़ा बहुत कम भी यूज़ कर सकते हैं, और लगते हैं 25% वुड डस्ट, यानी जो लकड़ी के डस्ट होते हैं वो, और अगर आपके पास वुड डस्ट नहीं है तो आप सैंड से भी काम चला सकते हैं, वो भी 25% का ही होगा। तो चलिए पहले इस पॉट को जो वाटर ड्रेनिंग होल है इसको हम बंद करेंगे, उसके बाद इन मिट्टी डालेंगे, फिर इसमें ऑनियन लगाएंगे। चलिए मिट्टी तो लगाना हो गया है, अभी देख रहे हैं कि आप यहाँ पर मैंने सारे मिट्टी पॉट पर भर दी है। तो जब मैं मिट्टी डाल रहा था तो साइड से पॉट थोड़ा टूट भी गया था, तो इसको मैंने जोड़ना पड़ा, तो यहाँ पर मिट्टी थोड़ा यहाँ से मैंने हटा दिया है पूरी, कोई दिक्कत नहीं, इसमें मेरा काम हो जाएगा। और एक बात में बोलना भूल गया था, वो देखिए इस मिट्टी में आपको तो मैंने रेशियो बोल ही दिया है कि 50% मिट्टी होगा, 25% गोबर कॉम्पोस्ट होगा एंड 25% रेत होगा। लेकिन और एक चीज़ आपको बोल देते हैं, ताकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम लोग की यह जो ऑनियन है ये बहुत छोटा सा है, इसमें कोई रूट्स अभी तक नहीं निकला है। कभी कभी होता है ना विंटर में जो ऑनियन हमारे घर में आते हैं उसमें यहाँ से थोड़ा एक पत्ती निकलता है, तो ये वैसा नहीं है, ये एकदम क्या बोलते हैं, इसका पत्ती नहीं है, इसको अभी फुल्ली ग्रोथ ग्रो करना है हमें, ठीक है। तो फिर हम मिट्टी में थोड़ी बहुत 2 चम्मच या 2.5 चम्मच नीम केक यहाँ पर मिक्स करेंगे, ताकि कोई बैक्टीरिया या कीड़ों से इसकी जो नीचे है या इसकी जो बॉडी है वो किसी भी तरह इन्फेक्ट ना हो या अटैक ना हो। ओके तो चलिए अभी और एक बात बोलिए, जब हम जो पॉट में ऐसे पॉट में करेंगे तो जो हम लोग जो ऑनियन लेंगे उसके साइज मैक्सिमम से छोटा होना चाहिए। तो देखिए आप जैसे देख रहे हैं हमने यहाँ पर 4 ऑनियन लिया है, वो सभी छोटे साइज़ का ही है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं। और एक बात बोल रहे हैं कि विंटर में छोटा छोटा ऑनियन आता है जो इससे भी छोटा होता है, अगर आप वो उससे ग्रो करें तो रिज़ल्ट और भी अच्छा होगा। तो चलिए पहले इसको हम ऐसे डाल देंगे मिट्टी में, चलिए जैसे कि देख रहे हैं हमने चारों प्याज को ऐसे लगा दिए हैं चारों को, ठीक है। अब टाइम है इसको वाटरिंग करने की, तो वाटरिंग करने के बाद इसको हम धूप और छाव मिल ऐसे सभी आते ऐसे जगह पर रख देंगे, तो 15 से 20 दिन बाद इससे पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ठीक है, मैं ज़रूर मिलूंगा आपके साथ, आप लोगों के साथ फिर से कोई नया अपडेट भी ऑनियन के अपडेट के साथ। तो फिलहाल आप अच्छे आप लोग अच्छे से गार्डनिंग कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए बाय।